सब्सक्राइब कीजिए चैनल जायकेदार खाने को और न्यू रेसिपी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी। आज जो मैं गुजिया बनाऊंगी तो लेयर वाली गुजिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है, एक कप रवा, इसको मैंने भूना नहीं है, कच्चा रवा है, दो टेबल स्पून घी है और एक पिंच ये रेड फूड कलर है मेरे पास, और एक पिंच में ये नमक लूंगी। सबसे पहले हम एक बड़े बोल में मैदा डाल लेते हैं, रवा डाल लेंगे, सॉल्ट डाल लेंगे और जो मैं घी डाल लेती हूँ। ये हम अपना घी इसमें अच्छे से पहले मिला लेंगे, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा जो गर्म पानी है इसको डालते जाएंगे और कड़ा हम डो बना के तैयार कर लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एकदम से पूरा पानी ना डालें। अब इसका मैं कड़ा डो बना के तैयार कर लेती हूँ। देखिए ये डो बन गया है, अब इसको मैं 5 मिनट तक हाथों से दबा दबा के इसको चिकना कर लेती हूँ। ये अच्छे से गुन चुका है, अब इसको मैं ढांक के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, जब तक गुजियों के अंदर भरने वाला हम मसाला तैयार कर लेते हैं जो कलर में बाद में यूज करूंगी। चलिए हम इसको ढांक के रख देती हूँ। स्टफिंग के लिए सामान देख लेते हैं जी। मैंने आधा कटोरी रवा लिया है, एक कटोरी कोकोनट पाउडर है और ये आधी कटोरी सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है हमें वो हम ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच सफेद तिल, आधा छोटा चम्मच खसखस है और एक पिंच नमक है और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर है। सबसे पहले मैं कोकोनट को रोस्ट कर लूंगी, रवा को भी रोस्ट करना है। चलिए मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। जी मैंने गैस के ऊपर पैन रख दिया है, इसमें अब मैं रवा डाल लेती हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक हम रोस्ट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा घी डाल लेते हैं, अब इसको हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। ये हल्की ब्राउन हो चुकी है, अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। उसी पैन में अब मैं ये कोकोनट पाउडर डाल के इसको भी हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। ये भी हल्का ब्राउन हो चुका है, इसको हमें भूनते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसको लगातार चलाते रहना है, रवा नारियल। अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। अब खसखस भून लेंगे, इसको भी हम आधा एक मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये भी रोस्ट हो चुकी है, इसको भी अब मैं निकाल लेती हूँ। अब हम सफेद तिल को भी रोस्ट कर लेते हैं, इसको भी बस थोड़ी देर ही रोस्ट करना है। सफेद तिल को भी इसमें डाल लेते हैं। अब ये सारे सामान जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इसके ऊपर चीनी और इलायची पाउडर नमक डालेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो चुका है, इसमें हमें ये नमक डाल लेती हूँ। नमक हमें एक पिंच ही देना है, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट डाल लेंगे, शुगर डाल लेते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप। ये स्टफिंग तैयार हो चुकी है, अब हम आटा देख लेते हैं। आटा भी अच्छा से हो चुका है, इसके अब मैं बीच में से 2 पार्ट कर लेती हूँ, फिर 1 पार्ट के 3 लोइयां बना लूंगी मैं। अब जो रेड फूड कलर है इसको 1 लोई में हम डाल के इसको रेड कलर की कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें से मिलाते जाएंगे।
कलर को अच्छे से लगा लेंगे इस तरह से। जो हमारी एक लोई रेड कलर की तैयार हो जाएगी, इसी तरह मैं जो दूसरी भी कर लेती हूँ। इस तरह से छह लोई थी मेरे पास, जिसमें से दो मैंने रेड कलर की कर ली है। ये मैंने लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं, दो रेड कलर की हैं, बाकी की चार सफेद हैं। ये मैंने पटा बेलन में तेल लगा लिया है। सबसे पहले एक हम व्हाइट कलर की बेल लेते हैं, इसको एक रोटी के बराबर इसको बेल लेंगे। अब हम देखिए इतनी पतली रोटी बेल के मैंने तैयार कर ली है। अब मैं जो रेड कलर वाली बेल लेती हूँ उसी साइज की, उतनी ही पतली इसको भी बेलना है। जो रोटी भी बेल गई है उसी साइज की है, ज्यादा पतली नहीं करना है ना ज्यादा मोटी। अब मैं एक सफेद वाली और बेल लेती हूँ। इस तरह से मेरी तीन रोटी बनके तैयार हो जाएंगी, दो सफेद और एक रेड कलर की। ये लास्ट वाली जो रोटी मैंने बेली है, इसके ऊपरी परत पर मैं जो घी लगा लेती हूँ, जिससे हमारी गुजिया अच्छी खस्ता बनेगी। इसके ऊपर जो रेड वाली रख देती हूँ। इसके ऊपर भी घी लगा लेते हैं। इसके ऊपर जो मैं सफेद वाली रख देती हूँ और इसको अच्छे से उठाते हुए इसको हम रोल कर लेंगे। फिर रोल बन के तैयार है, अब इसको हम काट लेंगे। एक इंच के लगभग मोटे मोटे इसके पीस काट लेती हूँ मैं सारे। इस तरह से ये सारे पीस कट चुके हैं। बाकी बचे हुए जो तीन लोई हैं, उनको भी मैं इसी तरह से रोल करके उनके पीस काट लेती हूँ। इसके बाद हम अपनी स्टफिंग इसमें भरेंगे। ये मैंने सारे रोल काट लिए हैं, इनके पीसेस काट लिए हैं और साइड के किनारे हटा दिए थे रोल के। हम इसको पूरी की साइज के बेल लेंगे। बेलते समय ध्यान रखें कि हमारा पूरा दबाव किनारों पे होना चाहिए, बीच में से ज्यादा नहीं दबाएंगे, नहीं तो हमारी गुजिया बाद में फट सकती है। इतनी बड़ी मैंने पूरी बेल ली है, अब इसको हम हाथों पर रखेंगे। अगर हमारे पास सांचा है गुजिया का तो गुजिया को सांचे में इसको रख दें। इसमें मैं जे एक टेबल स्पून अपना स्टफिंग डाल दूंगी। इसके जो किनारे हैं उस पर पानी लगा लेंगे। अगर हमारे पास सांचा नहीं है तो हम इस तरह भी हाथों से इसको बना सकते हैं। इसको ऐसे उठा के इस तरह से अच्छे से दबा देंगे। इसको हमें अच्छे से दबाना है, नहीं तो ये तलते समय फट सकती है। अपनी उंगलियों की सहायता से इसको अच्छे से दबा दें, फिर इसकी किनारों को हम मोड़ दें। और एक चम्मच की सहायता से इसको इस तरह से दबाते जाएं। देखिए इस तरह से जी मैंने गुजिया बनाकर तैयार कर ली है, बिना सांचों की गुजिया बनी है। इसी तरह मैं सारी गुजिया बना लेती हूँ। दूसरी गुजियों को भी हाथ से अच्छी तरह हम दबा देंगे, फिर इसके किनारों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है हमें। फिर
फिर एक चम्मच की सहायता से इसके जो किनारों को हम अच्छी तरह दबा देंगे। जो मैं दूसरी गुजिया भी आपको भर के बता रही हूँ जिससे आप अच्छे से सीख जाएं। पहले हमें किनारों को दबाना है अच्छे से चम्मच की सहायता से, नाखून की सहायता से भी दबा सकते हैं। फिर हम इस पे अब गुजिया वाली डिजाइन बना लेते हैं जिससे हमारी गुजिया देखने में अच्छी लगेगी। देखिए जी गुजिया हमारी बन गई है, रंग बिरंगी गुजिया बन के तैयार है। अब मैं सारी गुजिया इसी तरह से बना के तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैंने सारी गुजिया बना के तैयार कर ली है, अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डाल के गैस पर रख देती हूँ। जो कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, पहले हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर गुजियों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम स्लो रखेंगे। अब इसमें एक एक करके हम जो अपनी गुजिया फ्राई कर लेंगे। अब इनको हम पलट लेते हैं, इनको हल्की हल्की ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह मैं सारी गुजियों को फ्राई कर लेती हूँ। देखिए जी गुजिया बनके एकदम तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। रंग बिरंगी कोकोनट पाउडर से बनी हुई गुजिया बहुत टेस्टी बनती है। आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। प्लीज अनलाइक का बटन नहीं दबाइए। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं अपनी इस कमी को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।